चाचा और भाई बोलो। आशी और चिंटू है ना, आशी और चिंटू एंड से बाय। विच क्लास यू स्टडी? चिंटू चिंटू डीप कहाँ गए? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और बैकग्राउंड में कोई चल रहा है, पता नहीं कौन चल रहा है, बट पूरा डबल शेव मार के फील्स गुड। अर्ली मॉर्निंग शेविंग वेविंग करके यार एकदम फ्रेश हो जाओ, तो इट इज़ गुड फीलिंग। तो चलिए, आज क्या है कि आज ज़्यादा कुछ है नहीं, यही दो दिन से आप देख रहे हैं मेहमान लोग आए हुए हैं। मेहमान क्या, सिस्टर आई हुई है, उसकी बेटी आई हुई है दीपा एंड भव्या। और भव्या ने अभी नई नई नौकरी ज्वाइन की है, तो लॉट ऑफ यू नो उसकी पार्टी ली जा रही है। दो पार्टी तो हो गई हैं आज। वो कुछ गिफ्ट भी खरीदने वाली मेरे लिए मंगाया उसने, तो वो भी दिखाएंगे आपको। प्लस आज शाम को अपने कज़न के यहाँ वहाँ पे जाना है डिनर के लिए, वो भी दिखाएंगे। और भी बहुत कुछ होगा, जो जो होगा आपको दिखाते जाएंगे। फार्मर मार्केट आ रहा है अगले संडे, उसकी तैयारी करनी है, तो वो भी दिखाएंगे। तो बने रहिए चैनल में। तो माय शॉट ऑफ अर्ली मॉर्निंग ग्रीन स्मूदी एंड एश गर्ड, यू नो एश गर्ड का जूस, पेठे का जूस। तो एक एक करके इसको ख़त्म करते हैं। नाइस इट इज, अर्ली मॉर्निंग यू हैव दिस, यू फील गुड। सवेरे ब्लू चा हो गई है, उसके बाद है ये देखिए। वाह, इसमें पेपर डाला है। अब जो है एक ग्लास पेठे का जूस, तो ये नाश्ता नाश्ता टाइप हो जाता है। इससे दिन भर आपके पेट में और आपकी बॉडी में अल्कलाइन तत्वों का निर्माण होता है, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो। दिस इज डिवाइन पेठे का जूस। इसमें है आपका पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और क्या है, पेठा नींबू। वहाँ पे पोहा बन रहा है, देखिए मैं तो नहीं खाऊंगा। पेठा नींबू, पुदीने के पत्ते, ब्लैक पेपर, एंड दो ग्लास ये पी लो, यू आर सेट फॉर द डे। वाह, वेरी टेस्टी। और ये बन रहा है पोहा, इंदौरी पोहा, पता ही है किस किस को अच्छा लगता है, इंदौरी है ना, कैसे मालूम इंदौरी है? इंदौरी में बनता है पोहा, इंदौर में बनता है, इसलिए बोल रही हूँ। भोपाल, इंदौर, इंदौर। जिन लोगों को जो मध्य भारत से, उनको पता होगा पोहा बड़ा टेस्टी होता है। भी फ्रूट्स देख रहे हैं सब अपने खेत के, ये ब्यूटी है, 100% बियॉन्ड ऑर्गेनिक। तो गाइस ये देखिए हमारा हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यार दिखाए। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये है बड़वानी पपीता, ये बड़वानी पपाया इज फ्रॉम मध्य प्रदेश वैरायटी। दिस इज रुमानी मैंगो, वन ऑफ द टेस्टीएस्ट मैंगो। दिस इज काला पहाड़ मैंगो, और साथ में है अपने एलकी, इलायची केला भी कहते हैं इसको। ये है हेल्दी
एकदम ब्रेकफास्ट। और अभी जूस का शॉट मारा आपने देखा, सूप और स्मूदी का और उसका, उसके साथ ये। और फिर जो खाना चाहता उसके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बॉइल्ड एग्स, और ये है पोहा जो मैं नहीं खाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये भी दिखा दें। और ये है मेरी सिस्टर दीपा जो दो दिन से आप देख रहे हैं, जिसको भयंकर गड़बड़ी है, तो इससे पूछेंगे कि ये पपीता कैसा है। अब इधर से आके जरा इनका रिएक्शन लीजिए, पास आएगी तभी उसकी आवाज़ आएगी। तो पपीता कैसा लगा आपको? स्वीटर देन द मैंगो, आई हैव नेवर हैड सच अ स्वीट पपीता। हिंदी में बोलना पड़ता है, कभी इतना मीठा पपीता नहीं खाया, दिल्ली में तो मुझे नहीं मिलता है इतना मीठा पपीता, है ना वाकई में ना। अब यहाँ पे भी देखो ये पूरा फुल कार्ब ब्रेकफास्ट खा रहा है। बस ये नाश्ता वाश्ता हो गया, नाश्ते पे चर्चा भी हो गई, अब चलिए चाय पी जाए। तो अब ये लोग सब तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं आज मुझे अकेला घर पे छोड़ के। इन्होंने बोला रोटी सब्जी दाल चावल सब तुम खुद बना लेना, बट मैंने भी कह दिया नहीं बना सकता मैं। रिएक्शन देख रहे हो, ये जा रहे हैं बाहर घूमने, शॉपिंग करेंगे और भाई खाना खाएंगे, पता नहीं रात शाम को किस क्यों जा रहे हैं। तू क्या देख रही है? ये पीछे से झांक रही थी, क्या देख रहे हैं? देखो इसकी पार्टी अभी भी ड्यू है, पता नहीं कब देगी पार्टी। My God, look at the shopping. Are you looking some? एक दो तीन चार पाँच, देखो इसके बाद भी बोल रहे टाइम चार घंटे पाँच घंटे के लिए। वो गिफ्ट पैक नहीं करा उसके घर देने के लिए? नहीं, वो वेबसाइट से लिया, वैसे लिखा छः छः बैग ग्लासेस, ठीक है हम बढ़िया। बैग तूने क्या खरीदा? पांच बैग है, तो कपड़े ही कपड़े कपड़े। ये तूने अपनी तनख्वाह के पैसे दिलवाए क्या? जॉब लगने की खुशी में देख रहे हैं आप पैसे की बर्बादी। तो तैयार हो गए, अभी जैसा मैंने बताया था वी आर हेडिंग टू, हम लोग जा रहे हैं नई ड्रेस लेके आई है बबिया मुन्नु चाचा गया, मामा मेरे कजन गया, चाचा किसके इनके चाचा हुए तेरे मामा, मामा चाचा और भाई को मेरा भाई को सब आ गए। अच्छा ओके ओके, बोथ ऑफ यू डू लाइक दिस, wave to my camera, bye and say bye, bye bye. No abhi ruk jao ruk jao, which class you studying? first standard both, yeah, how come? Because we are small, so our mama made us, so we are separated. Hey, where is your teeth gone? Kon le gaya teeth? Chintu teeth kahan gaye? Chintu ओके बाय बाय बेबी। निकल गए हेडिंग टुवर्ड्स मुन्नूज हाउस, बिग पार्टी टुडे, पार्टी पूरा हमारी। तो पहुंच गए अपने कजिन, देखिए खूबसूरत, पहले भी देखा हुआ आपने ये फ्लैट, ये छोटा सा बगिया बगिया हेलो तो बोलो, अच्छा शूटिंग चालू हो गई पता नहीं। वेलकम पहले ऐसे छूट जाए बस यार, आए हेलो ठीक है
प्रणाम नहीं बोला और मामी भी मत बोलना, मामी भी मत बोलना। हाय हेलो, ठीक है मामा, मामा चीयर्स गर्ल्स, चीयर्स। वो चाची वाला किस्सा ये फूलन देवी आज वाइन पी रही है। मिसेज ओझा को आज शॉक लग गया, सेकंड क्लास, कांट बिलीव। दाल मत देना यार, सब दे। मंकी आ रहे ना इतने लपाटे, बुलेट लाया वो गोली बंदूक वो बुलेट लाया तो ऐसी बात चल रही है, क्यों मार रहे बोलते नहीं नहीं वो उसको मारूंगा तो वो दूसरे दोस्त को बताएगा बताते वहाँ चित्तू में से आपस में बात करती होती दोबारा चाची ने तो सुना नहीं बोला दोबारा तो फिर मैंने वहां देखा तो सही में मंकी यार एक तीन मंकी के साथ बालकनी में बैठे तो एक अंदर गया तो इशारा कर रहा क्या कर रहा दूसरा भी फिर तीसरे दिन आया था हमारे यहाँ से आम ले गए दो आम ले गया हाथ में से एक उसको दिया दूसरी बालकनी में जो बैठा मैंने कहा यार ये सही बोल रहे बिल्कुल मैं तो देवांश को बोलती थी नहीं ऐसे गन खाली गन चला वो बुलेट नहीं लग जाए देखो डंडा दिखा वो दादी की बात थी बदबू आ रही थी उससे डंडा बोल रहे अच्छा बालकनी में जब कितने सारे आते थे हमारा तो रात को मम्मी की बालकनी में बैठा था ना तो पॉटी करके ही जाता था मम्मी के पैर के पास यहाँ पे बैठा है मम्मी को पता नहीं चला जैसे बैठा है मम्मी यहाँ कपड़े डाल रही है मतलब यहाँ कड़ी कपड़े डाल रही है मम्मी को पता नहीं चला फिर इसने बोला दादी मन की है तो चल मम्मी और कुछ नहीं करा बैठा हुआ वो बहुत सीधा था सीधे वाले भी होते हैं मुन्नो उसको तो ध्रुव ने हाथ लगाया बिल्कुल पास में बैठ के ना अच्छा हाथ लगाया हां ओके भी तो आज की पार्टी का मेनू जो है बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखिए ये है रायता और ये है कुछ दाल मखनी ये फिश कुछ फिश टाइप का है ये कुछ बैगन का भरता टाइप है मिक्स वेज ये पराठे हैं ये सैलेड है अब देखिए इतना खाके रात को 12 बजे कैसे पचेगा तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे पैदल कर जाओ और इसके अलावा राइस भी है तो आपने देखा बहुत लंबा हो गया वीडियो इस वीडियो में यही क्लोज करते हैं फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहे नेक्स्ट व्लॉग के लिए थैंक यू बाय।